हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर हरियाणा लोकहित पार्टी के सुप्रीमो और सिरसा उम्मीदवार गोपाल कांडा लगातार लोगों के बीच पहुंच रहे हैं और अपनी नियत और नीति लोगों को बता रहे हैं। और इसी बीच गोपाल कांडा सिरसा के वार्ड नंबर 30 स्थित पुराने हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में पहुंचे। यहां लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान गोपाल कांडा ने लोगों का आभार जताया और बताया कि सिरसा के विकास के लिए उनका विजन क्या है। साथ ही विरोधियों पर भी उन्होंने जमकर निशाना साधा। मुझे दो तीन काम बताए हैं आपके हाउसिंग के, इसके अलावा भी जो काम होगा। यहाँ मेरा परिवार है, मेरा घर है, हमेशा मुझे यहाँ से बहुत मान सम्मान मिला है। और आपका गोपाल गोविंद तो सिर्फ राजनीति करते हैं सेवा के लिए। मेरी निगाह में राजनीति का मतलब सिर्फ और सिर्फ सेवा है, और सेवा है तो फिर मैं जो जो बात आपसे कर रहा हूँ वो वायदे सबसे पहले मुझे पूरे करने हैं। अब जब कोरोना आया तो मेरे सामने वालों ने अपने दरवाजे पे लिखा हुआ था कि कोरोना में कोई बेल ना बजाए, डिस्टर्ब ना करे, पर गोपाल और गोविंद अपना वही काम करते रहे जो हमेशा करते हैं। 25,000 लोगों को खाना बना के सुबह और शाम उनके घरों में पहुंचाया। किसी मंत्री किसी विधायक ने सरसा में अब से पहले कोई पैसा लेके नहीं आया, विकास कहां से होता। अब इतना शहर बढ़ गया, हजारों हजारों गलियां बनी है, 3 साल में कितने सीवरेज कितने काम हुए हैं। पर अब की बार एक पहले खुशखबरी सुना दूं आप सबको, जिस काम के लिए मैं लगा हुआ था 5-7-8 साल से कि सिरसा में मेडिकल कॉलेज बने, उसकी जगह को अलॉट करवाया, उसका टेंडर 2 दिन पहले 1,000 करोड़ रुपए का मंजूर हो गया। किसी भी टाइम शुरू हो जाएगा, किसी भी टाइम शुरू हो सकता है। उसकी सारी अड़चन दूर हो चुकी है, आप नेट पे चेक कर लें। और उसका नाम रखवाया बाबा सरसाईनाथ मेडिकल कॉलेज सिरसा। पैसे कमाने के लिए या पैसे बनाने के लिए मैं राजनीति में नहीं हूं औरों की तरह। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि उस परिवार ने 20-25 साल राजनीति करी है। 20-25 साल राजनीति करने के बाद आप सब सिरसा शहर के रहने वाले हैं। एक काम बताओ कि उन्होंने 20 साल में उस परिवार ने क्या किया सरसा के लिए। कभी भी सोचोगे ना ध्यान से, समझ में आएगा उनको काम करने ही नहीं है। पर वो सिर्फ एक ही बात करते हैं, या तो लोगों को धमकियां देते हैं या बोलेंगे हमारे को किसी गैंग से धमकी आ गई, या उनको धमकी आती है या वो धमकी देते हैं। इसके अलावा उनकी कोई सोच नहीं है। शरारती तत्व हैं, उनको आप जानते ही हैं कि उनकी क्या हरकतें हैं और क्या काम है। अभी मैं आपको पहले ही बोला, उनके दो ही काम है, या तो बोलेंगे कि धमकी आ रही है मुझे, रोज कोर्ट में जाके सिक्योरिटी लेंगे कि मुझे धमकी आ रही है उस गैंग से। अरे उस गैंग से धमकी तो जब ही आ रही है ना, जब तुम दूसरे गैंग में मिले हो जब ही आ रही होगी। ऐसे तो नहीं आ रही तुम्हें धमकी, तुम दूसरे गैंग का साथ दे रहे हो तो ही दूसरा गैंग तुम्हें धमकी दे रहा है ना। या तो बोलेंगे धमकी आ रही है या दुकानदारों को बुला बुला के धमकाएंगे। देखो हमें वोट देना, नहीं तो